अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। सो ये वीडियो जो है ना, ये मीशो अवेयरनेस वीडियो है। मीशो में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, सो मैंने सोचा मैं एक अवेयरनेस वीडियो बनाती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए, क्योंकि मीशो जो है ना, आजकल इतने सारे लोग यूज़ करते हैं मीशो ऐप, वहाँ से प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, बट मीशो के कुछ सेलर्स की वजह से मीशो का नाम ख़राब हो रहा है। सो वो बेसिकली क्या क्या स्कैम हो रहे हैं, किस तरह से हो रहा है, मैंने खुद ने क्या एक्सपीरियंस करा है, सो वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के लिए एक ऐसी वीडियो बना दी हूँ ताकि आप लोग भी अवेयर हो जाएं और मीशो से मंगाने से प्रोडक्ट मंगाने से पहले इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में अच्छे से रख ले। सो अवेयरनेस वीडियो बना रही हूँ, सो ऑब्वियसली एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, ये जो मीशो ऐप है ना, ये मैंने 2018 से शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले मैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट यूज़ करती थी। मिंत्रा मेरी लिस्ट में बहुत बाद में आया, बट उसके बाद मैंने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट छोड़ के फिर मीशो जब से लॉन्च हुआ था तो मैंने मीशो स्टार्ट कर दिया था। मीशो से मैंने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आइटम मंगवाया, मतलब महंगा भी प्राइस में मंगवाया है और सस्ते से सस्ता भी मंगवाया है। ऑब्वियसली मीशो ऐप आजकल लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मीशो ऐप पर आपको कम प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। बट उसके साथ साथ कुछ सेलर्स ऐसे, मैं हर किसी को नहीं कहूँगी, बट कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो कि स्कैम कर डालते हैं और फिर मीशो का नाम ख़राब हो जाता है और फिर लोग वहाँ से कुछ बाय करने से पहले ना 1000 times सोचते हैं। फिर इससे बेहतर हम लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे देके ना हम मिंत्रा से बाय कर लेते हैं, हमें अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, रिटर्न पॉलिसी अच्छी होती है, सब कुछ बढ़िया मिल जाएगा, है ना, ऐसा ही कुछ है। बट जब मैंने मीशो ऐप स्टार्ट करा था ना 2018 में, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने काफ़ी ईयर्स तक वो अच्छे से मेरा चला। फिर मैंने उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाय करे, बहुत कम पैसों में अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिले। बट अभी लास्ट ईयर से मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैंने मंगाया था जी गार्नियर सीरम, सो मेरी सिस्टर को भी वो चाहिए था और मुझे भी चाहिए था, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं दो मंगा लेती हूँ। सो मुझे इससे पहले नहीं पता था, मैंने मीशो स्कैम कभी सुना भी नहीं था कि इस तरह का कुछ स्कैम होता है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं दो कर देती हूँ। तो मैंने उसकी क्वांटिटी कर दी थी जी डबल क्वांटिटी कर दी, पैसे मैंने दोनों के दिए, ऑनलाइन पेमेंट करी थी, मैंने पैसे दोनों के दिए, ठीक है। और फिर जब वो प्रोडक्ट डिलीवर वो ठीक 3-4 days में हो गया था और उसका जो टोटल प्राइस था ना वो समवेयर अराउंड 400 or 500 था, मुझे ठीक से याद नहीं, बस 400-500 rupees था और वो मुझे मिंत्रा और अदर साइट से वो कम प्राइस में मिल रहा था मीशो से, तो मैंने इसीलिए वहाँ से दो एक साथ ही मंगा लिए थे। सो जब वो डिलीवर हुए ना, तो पैसे तो ऑलरेडी गए हुए थे, जब वो डिलीवर हुए फिर मैंने उसका पार्सल ओपन करा, पार्सल रिसीव कर लिया, पार्सल ओपन करा तो उसमें से निकला एक प्रोडक्ट के अलावा दूसरा कुछ भी प्रोडक्ट नहीं निकला, ना रॉन्ग प्रोडक्ट, ना कुछ प्रोडक्ट ही नहीं निकला, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट निकला, वो गार्नियर का एक ही सीरम निकला। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मैंने तो दो मंगवाए थे, फिर मैंने दोबारा से मीशो ऐप में जब चेक करा तो उसमें क्वांटिटी डबल ही थी बट मुझे रिसीव एक हुआ। मैंने कस्टमर केयर पर बात करी, मैंने हर तरह से मुमकिन कोशिश करी कि किसी तरह से या तो मेरे पास सीरम आ जाए या फिर मेरे पैसे वापस आ जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही सीरम आया और ना ही पैसे वापस आए, ठीक है। सो सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना है कि अगर आप मीशो से कुछ भी मंगा रहे हैं और अगर आपके उसकी क्वांटिटी डबल कर देंगे सो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा और वो पैसे आपसे दोनों के लेके जाएंगे, चाहे आप कैश ऑन डिलीवरी करें चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट करें। ऑब्वियसली अगर कैश ऑन डिलीवरी भी आप करेंगे सो आप ऐसा तो नहीं कि बंदा गेट पे खड़ा है आपके और आप कहेंगे जी लाओ पहले मैं पार्सल ओपन करूं फिर मैं आपको पैसे दूंगे, ऐसा तो कभी किसी के साथ होता नहीं है। सो बेसिकली हम पार्सल रिसीव कर लेते, कोड शेयर कर देते और फिर उसके बाद हम पैसे वगैरह दे के फिर हम पार्सल आराम से खोलते हैं, होता है ना ऐसा। सो ऐसा मत करिएगा, क्वांटिटी कभी भी डबल मत करिएगा। अगर आपको सेम प्रोडक्ट दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, बट आप उसको फ्रेश दोबारा से उसका ऑर्डर दे, एक ही बार में क्वांटिटी को तीन या चार या दो मत करिएगा। ये बहुत बड़े स्कैम चलता है मीशो पर, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो पॉइंट नंबर टू। अच्छा, ये मेरे साथ ना बिल्कुल अभी रिसेंटली ही हुआ है, जो मैंने झुमके मंगवाए थे ना मीशो से, सो मैंने कॉम्बो सेट्स मंगवाए थे, सो मेरे साथ एक कॉम्बो में सेम प्रोडक्ट मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं बड़ी शॉक, मैंने कहा यार मैंने तो इसके ब्लैक मंगवाए थे बट वो ब्लैक रिसीव नहीं हुए, दोनों उन्होंने सेम प्रोडक्ट भेज दिए थे जो मैंने वीडियो में भी शो करे थे अपने, मैं वीडियो का यहाँ पर थंबनेल लगा दूंगी और लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, वो सेम प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए थे और
और फिर उसके बाद जब मैंने उसे रिटर्न करा, सो रिटर्न करने जो बंदा मीशो से आता है, सो वो बेसिकली हैरान होकर वो प्रोडक्ट देख रहा था और बार बार उसके फ़ोटो क्लिक करे, बार बार वो उसको चेक करे और कहे मैम ये वो प्रोडक्ट है ही नहीं, मैम ये वो प्रोडक्ट है ही नहीं जो आपने मंगवाया था। मैंने उनको इतना कन्विंस करा कि भैया ये सेम प्रोडक्ट है, मेरे पास इमेज है, मैं इमेज दिखाती हूँ आपको, बट मुझे वो दोनों सेम प्रोडक्ट भेज दिए, इस वजह से मैं आप लोगों को ये रिटर्न कर रही हूँ, अदरवाइज मेरा कोई प्लान नहीं था इसको रिटर्न करने का। सो उसने बार बार चेक करा, उसको लगा कि हाँ जी प्रोडक्ट तो दो हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो उधर से ही सेलर की तरफ से ही मिस्टेक है, तो थैंक गॉड वो मेरा प्रोडक्ट वापस हो गया। बट यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि कभी भी अगर आपको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होगा ना मीशो से, सो वो कभी भी रिटर्न नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो रिटर्न क्वालिटी चेक नहीं हो पाएगा। जो इमेज आपके पास मीशो ऐप में दिख रही होगी और जो आपको रिसीव हुआ है, सो वो जो पिक करने आते हैं ना, तो वो दोनों इमेजेस को मिलाते हैं, फिर उसके बाद वो आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म होता है कि हाँ जी ऑर्डर पिक कर लिया, रिटर्न हो गया है, फिर आपका जो भी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका क्वालिटी चेक नहीं होगा, वो अप्रूव नहीं करेंगे, तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा गया, ठीक है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी थर्ड पॉइंट, जो कि मेरे साथ ही एक्सपीरियंस हुआ है, सो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थर्ड पॉइंट है, कभी भी जैसे आपने मीशो से कोई शॉपिंग करी होगी ना, तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप इस प्राइस में ये सामान ले लें, या फिर आप कम प्राइस में थोड़ा सा डिफेक्टिव सामान ले लें। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, जो थोड़ा बहुत डिफेक्ट समझते हैं, जैसे एक दुपट्टा है उसमें हल्का सा होल होगा, या फिर उसमें थोड़ी सी लेस हटी हुई होगी, तो हमारे माइंड में सिर्फ यही आता है ना, बट ऐसा कुछ नहीं होता। डिफेक्ट में ये लोग बिल्कुल ही प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं कम्प्लीटली। आप मंगाओगे सूट, रिसीव होगा साड़ी, आप मंगाओगे कुर्ती, रिसीव होगा शर्ट, आप मंगाओगे जीन्स, रिसीव होगा जेगिंग्स। सो इस तरह से वो प्रोडक्ट को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो कभी भी आपने कम प्राइस वाला सिलेक्ट करना ही नहीं है, आपने जो सिलेक्ट करना है, आप जो सेम अमाउंट मीशो पे शो हो रहा है ना, आप वही सिलेक्ट करें, उसमें रिटर्न पॉलिसी अच्छे से चेक कर लें, ठीक है। सो ये भी एक स्कैम चलता है, जब आप उसको रिटर्न करने जाएंगे तो वो आपका क्वालिटी चेक नहीं होगा, वो आपका रिटर्न नहीं होगा, वो आपको एनी हाउ किसी भी तरह से अपने लिए यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने पैसे दे रखे हैं ऑब्वियसली। अब एक और पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो मैंने अभी रिसेंटली ना अपनी वीडियोस में मीशो समर कुर्ती हॉल शेयर करा था आप लोगों के साथ, उसकी वीडियो मैं यहाँ लगा दूंगी थंबनेल, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी मैं। सो वो मैंने समर कुर्ती हॉल शेयर करा था मीशो से। सो बेसिकली मैंने जो ब्लैक कलर का कुर्ता पहना है ना, उसमें जिसमें स्लीव्स में भी वो यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी है और पूरी कुर्ती में भी एम्ब्रॉयडरी है, सो वो कुर्ता मेरी सिस्टर्स को भी पसंद आया था। सो वो कुर्ता जो है ना, जब मैंने ऑर्डर करा, तो मैंने मतलब एक कुर्ता ऑर्डर करा, फिर उसके बाद दूसरा कुर्ता ऑर्डर करा, सेम ब्रांड, सेम प्रोडक्ट, सेम फैब्रिक, सेम एम्ब्रॉयडरी, सेम प्राइस, सब कुछ सेम, बट जब वो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट कपड़ा था। मतलब ना उसकी एम्ब्रॉयडरी में फिनिशिंग थी, ना उसका कपड़ा अच्छा था, पहनने लायक तक नहीं था, और मतलब वो कुर्ता वो लग ही नहीं रहा था जो मैंने मंगवाया था। सो फाइनली वो मुझे रिटर्न करना पड़ा। मैं चाह रही थी कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं अपने व्यूवर्स के लिए कि आप लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाए कि मीशो से जब भी आप बाय करें ना, तो आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ। और जो मैंने गार्नियर के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे ना, तो उसके बाद भी मैंने ये मिस्टेक करी थी। फिर मैंने मेहंदी के कुछ वो स्टिकर्स होते हैं ना, मेहंदी के स्टिकर्स ईद के टाइम पे लास्ट ईयर मंगवाए थे, तो मैंने 5 स्टिकर्स मंगवाए थे जिसमें से 2 सेम थे। सो वो मुझे 2 जो सेम थे ना, उसमें से सिर्फ एक ही रिसीव हुआ था। प्राइस वो मुझसे दोनों के लेके गए थे, बट मुझे रिसीव एक ही हुआ था, और मैं खोजती रह गई थी सभी पार्सल में कि शायद इसमें हो, इसमें हो, उसमें हो, किसी में नहीं था। वो मैंने कंप्लेंट भी करी, बट वो कोई आंसर नहीं करते। एक तो इनका कस्टमर केयर बहुत बेकार है, तो वो आपको कोई आंसर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सो मीशो से मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि मीशो से आप कभी भी बहुत महंगी शॉपिंग ना करें। तो मैं भी ना मीशो से कभी 1000 से ऊपर
नहीं गई हूँ, 1000 के अंदर अंदर ही मैंने सारी शॉपिंग करी है मीशो से। सो बस ये था जी एक मीशो अवेयरनेस वीडियो, आई होप से आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। बाय जी, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।